कमला नेहरू हॉस्टल सीआरपीएफ 19वां बटालियन पक्षरु वृक्षारोपण राउरकेला स्थापित कमला नेहरू हॉस्टल परिसर रे सीआरपीएफ 19वां बटालियन पक्षरु वृक्षारोपण करा जायछि। बटालियन न मुख्य तथा कमांडेंट राजेश कुमार नेतृत्व में सीआरपीएफ जवान मैंने विभिन्न फलंती वृक्षारोपण करते रही डालिंब एवं पिजुली आदि वृक्ष। श्री कुमार सूचना मुताबक सीआरपीएफ पक्षर राउरकेला सहर विभिन्न स्थान में भिन्न भिन्न प्रकार वृक्षारोपण कार्यक्रम आसंता दिन में जारी रही श्री कुमार कहते। एक कार्यक्रम हॉस्टल कर्मकर्ता समेत नेशन फास्ट टीवी निर्देशक संजय साहू वृक्षारोपण करते। मो ना गीतांजलि पंडा मुझे कमला नेहरू हॉस्टल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अच्छे। जमी आम समस्ते जाचु जो वनीकरण मान मस चली सबुआ वृक्षारोपण कराऊ तो से ही कार्यक्रम अंतर्गत से मैंने आमको आसिक कहले आपंकर खाली जगह अच्छी आम प्लांटेसन करने चाहूँ तो आमर ये जेहेतु बेस बड़ गछ लगे तो जगह ना पाने जेहेतु रोच्च फल गछ विभिन्न प्रकार फल गछ ये 40-50 फल गछ आज लगा है। बेस बड़ गछ तो लगे हेनी जमी है लिचु डाळिंब पिजुली यही टाइप फल गछ गुड़ाक लगाही गोटे देखो खाली जगह तो एमती बेसी ना कि जी भी जगह अच्छे पे खेलिक भी से जो गछर जत्न ने परेश को आम गोटे गछर जत्न ना कौन गछ आम कौन कम दौर जापर तापर से मैंने फल जो फल से पाने खाई गोटे गछ बढ़ू आखि सामने निजे से मैंने जत्न करेंगे देखिले खुशी भी लगे। ये जो सीआरपीएफ बटालियन से तरफ लगा है गोटे बहुत भल प्रचेषा चली आम प्रत वर्ष भी गछ लगाऊ कि यहाँ जो आज गोटे ह्यूज अमाउंट रालीस पचासटा गछ ये कोरोना परिस्थिति रे भी जो लगा है सेटा गोटे बहुत खुशी रखत। मैं राजेश कुमार कमांडेंट 19 बटालियन सीआरपीएफ राउरकेला। आज का जो पेड़ लगाने का काम हमारा कमला नेहरू स्कूल में जो सिर्फ ट्राइबल बच्चों के लिए है ये स्कूल इसमें कार्यक्रम था। प्रिंसिपल मैडम भी यहाँ पर उपस्थित थी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोरोना काल में प्रिंसिपल मैडम उपस्थित रह के ये कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम योगदान निभाया। ये कार्यक्रम हमारा पूरे उड़ीसा में चल रहा है और ये कार्यक्रम उड़ीसा में हमारे आईजी श्री एस के मोहंती उड़ीसा सेक्टर आईजी हैं उनके दिशा निर्देश में ये कार्यक्रम उड़ीसा में चल रही है। पूरे देश में ये अभियान चलाया जा रहा है जो हमारे डायरेक्टर महोदय के दिशा निर्देशन में हो रहा है। सुंदरगढ़ में हमारी बटालियन डिप्लॉयड है। सुंदरगढ़ में जितने भी पेड़ लगाने का कार्यक्रम है हमारी बटालियन की जिम्मेवारी है। इस अभियान में हम राउरकेला के विभिन्न स्थानों पे पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि बुधवार को ही जामुडी में हमारे द्वितीय कमान अधिकारी श्री पार्थार्थी घोष लगभग 2000 पेड़ लगा करके वहाँ पर आए हैं। इसके अलावा राउरकेला में ही हम लोग अभियान शुरुआत किया था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून से और आज सिर्फ फलदार वृक्ष लगाया जा रहा है। आज के दिन ये कार्यक्रम हम स्कूल में रखा इसलिए रखा कि बच्चे इसका यूज भविष्य में कर सके और ये प्लांट का जो देख रेख है इसकी भी जिम्मेवारी प्रिंसिपल मैडम ने जैसा बताया कि हम लुक आफ्टर इस पेड़ को करेंगे और बच्चे को भविष्य में काम आए इसकी पूरी पूरी हम इसका ध्यान रखेंगे। ऐसे हम और भी स्कूल राउरकेला में चुन रहे हैं जहाँ की इस तरह का हॉस्टल हो खास करके जहाँ पर अनाथालय हो गरीब बच्चे हो अगर वहाँ पर हम प्लांट लगाएं तो वो बच्चे का काम आ जाए। मेन पर्पस हमारा यही था आज के दिन का। नेक्स्ट जो कार्यक्रम हम करेंगे सैटरडे को करेंगे और वो वैष्णो माता मंदिर जो है पहाड़ पे उस पर हमारा जग करने का अभियान। हमारी बटालियन का लक्ष्य लगभग 6000 पेड़ों को लगाने का है इस सीजन में। 5 जून से अभी तक लगभग हम 3000 पेड़ लगा चुके हैं और 3000 पेड़ लगाने का कार्यक्रम हम लगभग जून और जुलाई में हम टारगेट रखे हैं कि इस दरमियान हम पूरा कर लेंगे। क्योंकि ये रेनी सीजन बरसात का दिन है जहाँ पर
पानी पेड़ों को चाहिए वहाँ पर, ये बहुत ही सहायक है रेनी सीजन, इसलिए इस समय को हमने चुना है और हम लगभग एक महीने में ये टारगेट पूरा कर लेंगे।